डालो। दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल इसी कड़ी में सोनल वैश्य ने भेजा है। दो बार ये इनका कहना है कि कोविड हुआ था, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हुआ, अब साइनस, सांस लेने में तकलीफ और खांसी है, तो क्या उपाय करें कि ये सभी चीजें, समस्याएं दूर हो जाए? साइनस, कफ, खांसी, तो जैसे हुक्का बताया था ना, जैसे डॉक्टर अलका और जो है बीटी वसुंधरा जो स्टीम ले रही है ना, ये स्वासारी क्वाथ का स्टीम, उसमें दिव्य धारा डाल देते हैं। और ये जो है ना कफ कोल्ड से बचना और अपने लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना तो इस समय की जिम्मेदारी होगी। तो आज फिर से गिलोय का काढ़ा भी बताने वाले हैं और फिर से वही गोल्डन गोल्डन मिल्क। तो ये गोल्डन लिट्टे दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लो। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं जैसे स्वामी रामदेव के फेफड़े, ऐसे ही फेफड़े हो जाएंगे। और अणु तेल का नशे जरूर कर ले, थोड़े दिन चना खा ले, ये चना भी जो है ना अच्छा रहता है, चना, अनार, पपीता, बाकी सब चीजें थोड़े दिन बंद कर दे। दिव्य पेय या दिन भर पिए सामान्य पानी के बजाय, और सुबह शाम स्वासारी काढ़ा पी ले या स्वासारी प्रवाही भी ले ले गर्म पानी में डाल के, सब एकदम ठीक हो जाता है। और फेफड़ा ऐसे हो जाता है जैसे हमारे अमित भाई का है, ये ऊपर -5, -10, -20 पर भी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे स्वामी रामदेव जी, स्वामी जी ऐसे ही सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लीजिए जी। स्वामी जी, रिजुल गोयल का सवाल है। उनकी माँ की उम्र 60 साल है, उनको 1.5 साल में आंखों में दर्द, जलन और आंखें लाल रहती हैं। स्वामी जी क्या उपाय करें? रिजू के लिए बहुत ही, रिजू कहते हैं सरल, सरल उपाय बता रहे हो रिजू के लिए, माँ के लिए। देखो ये तो पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और अभी आंवला बहुत है, फ्रेश आंवला का जूस पिलाएं, थोड़ा उसमें गर्म पानी में हनी डाल करके पिला दें तो फिर जो है अच्छा लगता है और एनर्जी भी इंस्टेंट आ जाती है। आंवले के चूर्ण में आंवले की किस भावना दे दे करके उसको धूप में सुखा सुखा करके रख लें। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, उसमें रसराज वसंत कुसुमाकर 1-1 ग्राम मिला दे, ओहो हो हो, और 2-2 चम्मच खिला दे, पूरे आंखें ऐसे 100 साल तक टनाटन देखेंगे, एकदम पूरा सारा ब्रह्मांड अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, दूर का भी, नजदीक का भी, सूरज चांद भी दिखेगा, वैसे तो लाखों किलोमीटर दूर रहते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। तो आई ग्रिट ले ले, तो आई ग्रिट ले ले, यदि किसी को ये सब बढ़ाने में झंझट महसूस हो रहा है तो आई ग्रिट गोल्ड ले ले, और दृष्टि या सोम में आई ड्रॉप डाल लें, आंखें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती हैं। तो रिजु का तो सवाल का जवाब दे दिया। और स्वीटी का सवाल है स्वामी जी, वो बता रही हैं कि उनके पूरे चेहरे पर काले दाग और झाइयां हो गई हैं, तो इसे ठीक करने के क्या उपाय हैं? तो देखो, चेहरे के काले दाग धब्बों के लिए एक तो एलोवेरा, आंवला और गिलोय पी ले, ये चेहरे के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा, और चेहरे के लिए सबसे अच्छा है कांति लेप एलोवेरा के साथ, कांति लेप कच्चे दूध के साथ, हनी के साथ ऐसे लगा लेते हैं स्नान से पहले, ऐसे 15-20 मिनट लगा के फिर उसको वॉश कर ले, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी को भी, चाहे वो स्वीटी है, चाहे वो श्वेता है, चाहे वो कोई भी, बच्चों तुमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई फेस के ऊपर? वसुंधरा सुतकीर्ति, ये दोनों बेटियां देखो योग करती हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो जिनको ये दिक्कत होती है पूरी तरह से, और ज्यादा ही दिक्कत हो जाए ना, अंदर से झुर्रियां भी पड़ जाए, तो कोलेजन प्राश ले ले, कोलेजन प्राश बहुत अच्छा, नहीं तो घर में ही तिल, तिल थोड़ा कूट के रखें, 1 चम्मच जो तिल ले लेंगे तो चेहरा, और 1 चम्मच उसके अंदर फ्लैक्सीड ले लेंगे तो दिमाग 100 साल तक अच्छा रहेगा, बताओ छोटी सी बात। और कभी कभी गाजर का जूस पी ले, हमने कोलेजन प्राश तैयार किया, उसकी जबरदस्त एफिकेसी है जी स्वामी जी, स्किन प्रॉब्लम्स। अगला सवाल स्वामी जी ललित मंडल का है। उनके 12 साल के भतीजे की नाक हरदम बंद रहती है, तो क्या उपाय इसका? तो ललित मंडल सहित अभी तो बहुतों की नाक बंद हो जाती है और बहुतों की नपीरी बसती रहती है, गंगा यमुना चलती रहती है, और बहुत से तो हम छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, वो शर्ट को बुरशट बोलते थे गांव, बुरशट, बुरशट से ऐसे पूछते रहते थे और उसके क्लफ से तैयार हो जाते थे तो ऐसे तो बहुत लोगों के ये नाक से पानी बहता रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा अणु तेल डाले, फिर स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या ब्रोनकोम खा ले 1-1 सुबह शाम, या गिलोय घनवटी, या गिलोय घनवटी एडवांस, जबरदस्त है ये चीजें। ये जो है ना आजकल हम रोज जो इसलिए बता रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जबरदस्त है और इसकी जरूरत है इस समय।
नाक एकदम से ठीक हो जाएंगे। तो गिलोई घनवट्टी ले लें, ब्रोनकोम ले लें, स्वासरी ले लें, या जो है एक एक कोरोडेली खा लें, इसमें गिलोई, अश्वगंधा और तुलसी, ये सब है। तो ये खाली कोरोना की दवाई नहीं है, कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है। और फिर 5 बादाम और 5 काली मिर्च और थोड़ा सा मुनक्का, खजूर, अंजीर या गुड़, शक्कर थोड़ा और डालिया और चबा लिया, एकदम नाक खुल जाता है पूरा। और नाक ही नहीं खुल जाते, मूलाधार से सहस्रार तक पूरे अष्टचक्र भी खुल जाते हैं, कपाल भाती और कर ले और नाक खुल जाएगा तो अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। और ये दिव्य धारा का स्टीम ले ले जो वसुंधरा जी ले रहे हैं। स्वामी जी छोटी छोटी बातें।